आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बुधवार को HPSC के मेंस परीक्षा के नतीजों को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि HPSC ने 100 सीटों के लिए केवल 61 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की युवा पढ़ लिख कर भी हताश है, बेरोजगार युवा अपराध और नशे का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने युवाओं को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे पहले भी HPSC का पेपर लीक हो गया था, वहीं इससे पहले वाली परीक्षा में 38 प्रश्न रिपीट हो गए थे। उन्होंने कहा कि एक पद के लिए कम से कम 3 अभ्यर्थियों को बुलाने का नियम है, लेकिन HPSC के नतीजों ने युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि खट्टर साहब घोड़े बेच कर सो रहे हैं। मुख्यमंत्री खट्टर और HPSC के अध्यक्ष की सेटिंग है। मुख्यमंत्री खट्टर की नाक के नीचे युवाओं के साथ धोखा करने का खेल चल रहा है। HPSC अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मेंस परीक्षा के पेपर की रीचेकिंग की मांग करती है। आखिर कैसे 1500 सीरीज रोल नंबर के 14 और 1900 सीरीज रोल नंबर के 13 अभ्यर्थियों को फाइनल सूची में जगह दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित 1145 अभ्यर्थियों में से केवल 61 को ही इंटरव्यू के काबिल माना गया। आखिर किस आधार पर इंटरव्यू की लिस्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ धोखा नहीं होने देगी। जब तक जांच नहीं होती तब तक आम आदमी पार्टी खट्टर सरकार से सवाल उठाती रहेगी। जय हिंद साथियों, हरियाणा का युवक पढ़ लिख के अपने आप को हताशा महसूस कर रहा है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अनेकों बार नए नियम बनाता है और छात्रों को परेशान करने का एकमात्र जरिया उन्हें बना दिया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में HPSC के एग्जाम के लिए 100 सीटों की वैकेंसी निकाली, जो सैकड़ों विद्यार्थी प्रिंस में पास हुए थे। अब मेन के एग्जाम में कानून यह है कि एक के बदले 3 कम से कम साक्षात्कार के लिए बुलाने चाहिए, परंतु इन्होंने जान बूझ के केवल 61 बच्चे पास किए। ये वो बच्चे हैं जो आज मेरे पास आए हैं, जो पिछला बार में मेंस का इंटरव्यू देके आए। अब ये कहते हैं कि कैसे क्या सेटिंग हुई, क्या इन 100 में से भी सीटों में से 61 सीट के ही बच्चे क्वालिफाई कर पाए, और उसमें से भी 1500 से लेकर 1900 तक की सीरीज के 27 बच्चे पास हुए। क्या कोई सेटिंग है? बच्चे का मन के अंदर यह है कि पेपर दोबारा चेकिंग होना चाहिए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। अभी कोई कैटेगरी नहीं बनाई, ना SC ST की बनाई, ना OBC की बनाई, ना कोई कैटेगरी बनाई, ना तो कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया, ना किस बच्चे को कितने अंक प्राप्त हुए ये बताया गया। केवल और केवल बच्चों को परेशान किया जा रहा है। इनकी मांग के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी मांग है कि इन पेपरों की रीचेकिंग हुई, क्वालिफाइड आदमी इनको दोबारा रीचेक करे और सभी एलिजिबल बच्चों को पास कर दे, कम से कम 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुला दे। खट्टर साहब, जिस तरीके से हरियाणा का युवा बेरोजगारी की मार को झेल रहा है, उदासी इस तरह चढ़ गई है, कुछ बच्चे अपराध की दुनिया में चले गए तो कुछ नशे की दुनिया में चले गए तो कुछ डिप्रेशन के रास्ते पे चल रहे हैं, और हर दफा सारा का सारा हरियाणा आवाज उठाता है, परंतु आप जैसे घोड़े बेच के सोते रहते हैं। आपकी सेहत पे आपकी क्या सेटिंग है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से? क्यों उसके खिलाफ आज तक एक्शन नहीं हुआ? कई बार 32 पेपर के लिए क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कई बार इससे ज्यादा रिपीट हो जाते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर। फिर आप कहते हैं पेपर बनाना हमारा काम नहीं था, ये तो एक एजेंसी ने बनाया है। इस तरीके से बार बार परेशान करना उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि इनकी रीचेकिंग कराए और बच्चों को उचित मूल्यांकन देके कम से कम 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए।
ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।